नमस्ते गुरु जी, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी साध संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म समस्त गुरु परिवार का स्वागत करता है। संगत जी, आज दिवाली के इस पावन पर्व पर गुरु महाराज ने संगत को ब्लेस करने के लिए गुंजन शर्मा अंकल को चुना है। उनके संगत के थ्रू गुरु महाराज सभी को ब्लेस करेंगे। सारी संगत का बहुत बहुत स्वागत है। और सुरेश वासन अंकल व शुक्राना मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म के जितने भी सेवादार हैं, उनकी तरफ से समस्त गुरु परिवार को दिवाली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। गुंजन शर्मा अंकल, जय गुरु जी। गुंजन शर्मा अंकल, आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को। जय गुरु जी। गुंजन अंकल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरु जी अंकल। थैंक यू अंकल। थैंक यू साथ संगत जी, गुरु जी, जो आपने आज दिवाली के पावन उत्सव पर मुझे इस लायक समझा और मुझे मौका दिया कि मैं गुरु साहिब के गुणगान गा सकूं। गुरु जी का ना आदि है ना अंत है, वो अनंत हैं, और उनका गुणगान गाना जो है वो किसी मॉर्टल बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी गुरु साहिब वो वडियाई बख्शते हैं। अपनी ही संगत को वो ये मौके देते हैं कि हम उनके गुणगान गा सकें। और सदियों से गुरुजी का ये तरीका रहा है कि कैसे वो अपनी संगत को ही माध्यम चुनते हैं और उनसे गुणगान करवाते हैं। जैसे नामदेव को गुरुजी ने कृष्ण रूप में दर्शन दिए, और त्रिलोचन जी जो उनसे हर चीज में आगे थे, औहदे में, पैसे में, बड़े महल, गाड़ियां, बंगले सब थे उनके पास, पर नामदेव जी के पास कृष्ण थे। नामदेव जी के पास गुरु साहेब कृष्ण रूप में थे। और कैसे नामदेव जी को बहुत फ्रीक्वेंटली कृष्ण जी के दर्शन होते थे, तब त्रिलोचन जी ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आपके इतने फ्रीक्वेंटली कृष्ण जी के दर्शन होते हैं, क्या आप मुझे भी दर्शन करा सकते हैं। तब कृष्ण जी ने बोला कि नामदेव, त्रिलोचन को बोलो कि अगर वो तुम्हारे पांव पड़ेगा, अगर वो नीवा होगा, उसका अहंकार खत्म होगा, तभी उसको दर्शन। और जब त्रिलोचन जी नामदेव के पांव पड़े, तब जाके उनको भी कृष्ण जी के दर्शन। सो कैसे गुरु जी जो हैं वो सेंचुरी से, इतने सालों से वो अपने ही भक्तों को, अपनी ही संगत को वडियाई बख्शते हैं, ये उनकी ही मेहर है। वेल, ही चूजेस द मीडियम, बट ही हिमसेल्फ रिजाइड्स इन द मीडियम, एंड ही इज द वन हुज द ऑरेटर, ही इज द वन हुज द स्पीकर, he is the one who is the doer, he is the one who inspires all of us and you know enables us to be the one through whom he speaks. So thank you so much guruji. meri aukaat nahi ki main aapki vadhai kar sakun ya aapka satsang kar sakun, but ye aapki hi meher hai. aur jaise aaj ka jo guruji ka vaakya है या गुरु जी का जो वचन है वो है, मैं ही महाशिव हूं। वेल, नरेंद्र अंकल को गुरु जी ने बोला और बहुत और संगत को भी गुरु जी ने बोला। ना ही 31 मई 2007 से पहले, 31 मई 2007 के बाद भी गुरु जी ने संगत के ड्रीम में आके ये चीज बताई, समझाई कि गुरु जी ही महाशिव हैं। और संगत जी,
आप देखिए कि कैसे गुरु जी ने आज दिवाली का ही मौका चुना अपने महाशिव रूप के बारे में बताने के लिए। वेल यस, हमको डाउट हो सकता है कि गुरु जी अगर शिव का रूप है और आज दिवाली है जो राम जी के लिए मनाई जाती है, सो इज इट द सेम? और आज ही गुरु जी ने ये अपना वचन मैं ही महाशिव हूं क्यों दिया? दैट्स सो ब्यूटिफुल। संगत जी, एक संगत के ड्रीम में गुरु जी आए, जैसे हम सबको पता है कि गुरु जी जब ड्रीम में आते हैं तो उनका साक्षात दर्शन होता है, वो खुद आते हैं। गुरु जी ने बोला मेरा ड्रीम कोई नहीं ले सकता, और जब मैं ड्रीम में आता हूं तो मैं साक्षात खुद आता हूं। गुरु जी आए और उन्होंने उन आंटी को एक फ्लो चार्ट बना के दिखाया, जिसमें सबसे ऊपर गुरु जी ने लिखा महाशिव। गुरु जी ने बोला ये मैं। उसके बाद गुरु जी ने उस फ्लो चार्ट में नीचे एरोज बनाए और उसमें एक जगह लिखा शिव, एक जगह लिखा शक्ति। फिर उन्होंने शिव में से दिखाया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश निकले, और उन्होंने दिखाया फ्लो चार्ट बना के कि शक्ति में से पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती जी निकले। तो आप देखिए कि गुरु जी जिसको दर्शन देना चाहें, जिसको समझाना चाहें, जिसको बताना चाहें अपने बारे में, देयर इज नो टाइम लिमिट कि 2007 से पहले कौन गुरु जी से जुड़ा या 2007 के बाद कौन गुरु जी से जुड़ा। कैसे कितनी ब्यूटिफुली गुरु जी ने नरेंद्र अंकल को ये बोला कि मैं महाशिव हूं, और बाद में भी गुरु जी ने संगत को आके आंटी को ड्रीम में दर्शन देके पूरा फ्लो चार्ट ब्लैक बोर्ड पे बना के दिखाया कि गुरु जी कौन हैं, और उनमें से ही सब देवी देवता निकले। संगत जी, इसका एक और उदाहरण है कि कैसे हमें भी ये ज्ञात हुआ कि गुरु जी कौन है। ऑन 31 मई 2007 जब हम लोग बड़े मंदिर में थे और हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या हो गया, संगत जी हम लोग वहां पे बड़े मंदिर में बैठे हुए थे। इट वॉज आई थिंक अ डे ऑन 31 मई इटसेल्फ और अ डे आफ्टर दैट हम लोग वहां बैठे हुए थे और सामने से हमने देखा कि एक संत आ रहे हैं। हमें नहीं पता था वो कौन है, वो वाइट चोले में आए, और मैं और मेरी मदर उस तरफ ही जा रहे थे जिस पैसेज से वो आ रहे थे। वो जैसे ही हमारे सामने आए, मैंने और मेरी मदर ने उनके पांव छुए और उन्होंने हमारे सर पे हाथ रखा और उन्होंने बोला कि रोंदे क्यों पयो, रब भी कदी किधरे गया है। और हमें तब उनके वर्ड्स की ग्रेविटी या क्या उन्होंने बोला हमें बिल्कुल नहीं समझ में आया। हमने बाद में पूछा जो संगत हमारे आसपास थी कि ये कौन थे, तो तब उन्होंने बताया कि ये राधा स्वामी जी हैं। और अब हमें जाके ये चीज समझ में आती है कि कैसे उन्होंने उस समय भी हमें ये चीज बता दी राधा स्वामी जी के थ्रू कि रब भी कदी किधरे गया है, कि गुरु जी जो है वो शरीर की बाउंडेशन उनके लिए नहीं है। वो 31 मई 2007 तक शरीर में थे और 31 मई 2007 के बाद वो अपने निरंकार रूप में आ गए, और वही हमें उन्होंने समझाया कि रब भी कदी किधरे गया है। और काफी ओकेजन्स पे गुरुजी से जब संगत ने पूछा कि गुरुजी आप कौन हो, तो गुरुजी ने बोला मैं रब। कभी संगत ने गुरुजी से पूछा कि आप कौन हो, गुरुजी ने बोला मैं महाशिव। संगत को गुरुजी ने कृष्ण रूप में भी दर्शन दिए, राम रूप में भी दर्शन दिए। सो गुरुजी निरंकार हैं, गुरुजी महाशिव हैं, गुरुजी ही वो राम हैं जो घट घट में वास करते हैं, गुरुजी ही वो राम हैं जो ब्रह्मांड में रमाए हुए हैं। तो दिवाली से बड़ा और खूबसूरत दिन कौन सा होगा कि हम अपने महाशिव, हम अपने राम की उस्तत करें, उनकी पूजा करें, उनकी आराधना करें। संगत जी, यही जो चीज है गुरु जी ने इतने समय में हमें समझाई, धीरे धीरे करके समझाई। इट टेक्स टाइम बिकॉज हमारे मन, मस्तिष्क और आत्मा पे जो चीजें छपी हुई हैं, जो हमारे पुराने जन्मों के संस्कार हैं, और जो इस जन्म में हम चीजें देख के उनको फॉलो करते हैं,
कैसे धीरे धीरे गुरुजी उनको हटाते हैं हमारे मस्तिष्क से, और जो ठीक चीजें हैं, जो करेक्ट पूजा पद्धति है, जिस आत्मा के लिए जो रास्ता है उसको गुरुजी वो दिखाते हैं। गुरुजी ने ही कुछ संगत को बोला कि आप ओम नमः शिवाय का जाप करो, कुछ संगत को बोला ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय का जाप करो। जब संगत ने बोला कि गुरुजी हम इसमें गुरुजी सदा सहाय ऐड कर सकते हैं, तो गुरुजी ने बोला हाँ कर सकते हो। तब से गुरुजी ने ये मंत्र जाप को भी ब्लेस किया। कुछ संगत को टुवर्ड्स 31 मई 2007 जब गुरुजी के पास संगत आती थी टुवर्ड्स द लास्ट डेज, तो गुरुजी कहते थे राम राम करो, राम राम करो। गुरुजी ने कृष्ण रूप में भी अपने दर्शन दिए। जब एक आंटी जो है वो साईं बाबा को फॉलो करती थी, पर उन्होंने गुरुजी के पास भी आना शुरू किया, और उनको ये चीज, वो साईं भजन गाती थी गुरु साईं दरबार में। गुरुजी ने बोला कि अब नेक्स्ट थर्सडे से वहां नहीं जाना है, तुम यहीं आना। बट वो आंटी नहीं माने, क्योंकि आपकी एक एफिनिटी होती है, आप इतने टाइम तक जिनको ध्याते हो, जिनकी पूजा करते हो, एकदम से नहीं छोड़ा जाता। और हमें ये समझ भी नहीं होती कि गुरु आज्ञा का क्या मतलब है। और उन्होंने, वो फिर भी उस दिन गए वहां, उनको उस दिन वहां गाने नहीं दिया, और उन्होंने वहां पे ही कहा गया कि अब आगे से आप यहाँ मत आइए। उन्हें इतना बुरा लगा कि मुझे साईं के दरबार में आने से मना कर दिया। और वो फिर जब गुरु जी के पास आए, तब गुरु मेरी पूजा शब्द चल रहा था, और उसमें जैसे हम सब ने सुना है कि बांसुरी की आवाज आती है, तो जैसे ही वो बांसुरी की आवाज आई, उन्होंने आंखें खोल के देखा, तो गुरु जी के आसन पे साक्षात श्री कृष्ण बैठे हुए। और उन आंटी को ये नहीं समझ में आया कि मैं तो साईं के बारे में सोच रही थी, कृष्ण जी कैसे दिखे। एंड लेटर ऑन शी रियलाइज्ड कि वो बचपन से कृष्ण की भक्ति करती थी, और गुरुजी ने उनको कृष्ण रूप में दर्शन। सो कौन सी आस्था हम लेकर गुरुजी के पास आ रहे हैं, कौन से देवी देवता हमारे मन में वास करते हैं, किनकी भक्ति हम जन्मों से करते आ रहे हैं, गुरुजी उसी रूप में हमें दर्शन देते हैं, और उसी तरीके से हमें वो मार्ग बताते हैं कि किस तरीके से हम गुरुजी से किसी भी फॉर्म में जुड़ सकते हैं। एंड संगत जी, इसी तरीके से मेरे बुआ जी हैं जो राम में विश्वास करते हैं, और हर बार जब भी उनसे कोई पूछता है कि आप किन में विश्वास करते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं राम में विश्वास करती हूं, शरीरधारी राम में नहीं। जो पूरे जगत में व्याप्त है उस राम। और संगत जी, उनका इतना ज्यादा राम जी के ऊपर विश्वास है, वो बचपन से राम जी को प्रे करती हैं, उन्होंने भी गुरु जी के साक्षात दर्शन किए हैं। और संगत जी, बट उनका वो विश्वास नहीं है गुरु जी। ऑफ लेट वो हमारे यहाँ पे आए थे, अभी उन्होंने सत्संग अटेंड किए, और वो एक सत्संग अटेंड कर रहे थे तो उनको खूब गुरु जी की फ्रेग्रेंस आई। सो उन्हें समझ में नहीं आया कि इतनी फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रही है, तो वो गुरु जी के चरणों की तरफ गए, जो वहां पे फूल थे उन्होंने वहां पे सूंघा कि यहां से तो नहीं आ रही है, उन्हें वो खुशबू वहां से नहीं आई। और बाद में जब वो अपनी जगह पे जाके बैठ गए, तब भी उनको वो फ्रेग्रेंस आती है। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मुझे भी ये समझ में नहीं आया कि इतनी फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रही, तो कैसे गुरु जी अपने आप ही संगत के साथ कनेक्ट बनाते हैं, कैसे गुरु जी अपने आप ही दर्शन देते हैं। उससे पहले जब मेरे बुआ जी आए थे हमारे घर में, अगेन उन्होंने सत्संग अटेंड किया, मॉर्निंग में उन्होंने सत्संग अटेंड किया, और मेरी मदर जो है वो गुरुजी को भोग लगाने के लिए, उन्होंने मेरी बुआ जी को बोला, तो वो भोग लगाने के लिए गए, तो उन्होंने बोला उसमें मैंगो शेक था। एंड लेटर ऑन जब सबको लंगर प्रसाद में मैंगो शेक दिया गया, तो उन्होंने बोला कि अरे क्या ये मैंगो शेक है, हम सब ने बोला हाँ ये तो मैंगो शेक है। उन्होंने बोला कि बट जब तुम गुरुजी को भोग लगाने जा रहे थे, तो मैंने ये देखा, ये जो ग्लास था इसके अंदर रोज कलर का
फ्लेवर मुझे दिखाई दिया, कलर मुझे दिखाई दिया, तो ये येलो तो नहीं था। हम सब ने बोला नहीं, हम सब, हमारे पास जो मैंगो शेक है वो येलो है। उन्होंने बोला नहीं, मेरे पास जो मैंगो शेक है वो तो पिंक है। और उन्होंने बोला जो मैंने मैंगो शेक पिया है उसके अंदर तो मुझे रोज की खुशबू आ रही थी, उसके अंदर तो पूरा रोज का फ्लेवर था। तो देखिए संगत जी, गुरु जी ने जब जिस संगत को ब्लेस करना है, आपका गुरु जी की तरफ कितना विश्वास है या नहीं है उस पे भी नहीं डिपेंड करता। जब गुरु जी करुणा भाव में आते हैं, बख्शंद भाव में आते हैं, गुरु जी को पता है कि दैट शी इज प्योर एट हार्ट। ठीक है उन्हें गुरु जी पे विश्वास नहीं है, पर वो अपनी राम से जुड़ी हुई, वो श्रद्धा भाव से बैठ के गुरबानी सुनती हैं। बिकॉज माय बुआ जी इज मैरिड इन अ सिख फैमिली, वैसे हम लोग हिंदू हैं, ब्राह्मण्स हैं, बट वो सिख फैमिली में उनकी शादी हुई, तो उनको गुरबानी से भी बहुत प्यार है। तो वो बहुत दिल से गुरु जी के पास बैठती हैं, वो बहुत दिल से गुरु जी को भी मानती हैं, बट वो अपने राम का स्थान गुरु जी को नहीं दे सकती। और उन्होंने बोला कि इस बार जब अगेन वो हमारे आए थे, तो उन्होंने, उनको अगेन गुरुजी को भोग लगाने का मौका मिला। वो नीचे नहीं बैठ सकते, तो वो खड़े होके ही गुरुजी को भोग लगा रहे थे। जब वो हाथ जोड़ के गुरुजी के पास खड़े हुए थे, उन्होंने हमसे बाद में शेयर किया कि उनको साक्षात गुरुजी जो है, आंख बंद करके जब वो खड़े थे, उनको गुरुजी दिखाई दिए और गुरुजी उनको राम के रूप में दिखाई दिए। उन्होंने बोला कि गुरुजी के हाथ में धनुष और बाण था और उनको साक्षात गुरुजी जो हैं वो राम रूप में दिखाई दे। तो देखिए संगत जी, गुरुजी कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, कि वो कैसे एक एक संगत के भ्रम को दूर करते हैं। कैसे अगर संगत को गुरुजी में विश्वास नहीं भी होता, तब भी कैसे गुरुजी ब्लेस करते हैं। और इट इज अ स्पिरिचुअल जर्नी, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि अगर, जैसे मेरे बुआ जी ने भी गुरुजी के फिजिकल फॉर्म में दर्शन किए और अब जाके उनको विश्वास होना शुरू हुआ, सो इसमें इयर्स जो है वो काउंट नहीं होते। इसमें गुरु की मेहर होती है, गुरु की कृपा होती है कि वो कब आपको उस फॉर्म में दर्शन दें, कब आपको उस रास्ते पे लाएं। वेल, वो बचपन से राम जी की भक्ति करती आ रही है, तो वो ठीक रास्ते पे है। उनको गुरुजी ने अपने फिजिकल फॉर्म में लाके भी अपने चरण शरण में लिया, बट अब उनको ये भी रियलाइज करा दिया कि मैं ही राम। अगेन दीज आर ऑल गुरु साहिब्स वेज एंड मींस। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। हमारे घर में भी जो फैमिली मेंबर्स हैं, उन सबका सेम कनेक्ट नहीं है गुरुजी के साथ। किसी को ज्यादा गुरुजी में श्रद्धा है, किसी को कम गुरुजी में श्रद्धा है। कोई किसी तरीके से जुड़ा है, कोई सत्संग में बैठ के गुरुजी से जुड़ा है, कोई सत्संग ना अटेंड करते हुए भी गुरुजी से जुड़ा है। एंड इट्स टोटली अ सोल्स जर्नी। गुरुजी को पता है किस संगत को कैसे अपने साथ कनेक्ट करना है। संगत जी, अगेन जैसे गुरुजी के पास संगत आती है, और मोस्टली संगत जो है वो अपने घर पे लक्ष्मी पूजन, दिवाली पूजन करके और फिर गुरुजी के पास आते हैं। गुरुजी ने एक दिन बोला कि लोग दिवाली पे पूजा करके मेरे पास आते हैं, लक्ष्मी तो यहां ही मेरे पास बैठी। सो देखिए अगेन संगत जी, कि हम जिन लक्ष्मी को, हम जिन राम को, हम जिन जगदीश को दिवाली वाले दिन अपने घर में पूजन करके फिर गुरुजी के पास जा रहे हैं, तो हमें ये चीज भी नहीं समझ में आ रही है कि गुरुजी ही वो जगदीश हैं, गुरुजी ही वो लक्ष्मी माँ हैं, गुरुजी में से ही इन सब देवी देवताओं ने रूप लिया है और गुरुजी के पास ही उन सब का वास है। बड़े मंदिर में ही वो सब रहते हैं, और जहां भी गुरुजी का सत्संग होता है, जहां भी गुरुजी का स्वरूप है, वहीं इन सबका वास है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गुरुजी ने ये चीजें समझाई, धीरे धीरे ही हमें भी समझ में आई। और कितने खूबसूरत तरीके से गुरुजी ने लास्ट दिवाली से ये शुरू करवाया कि गुरुजी ने अपना सत्संग करवाया दिवाली वाले दिन, और उसके बाद हमने
पहले गुरु जी के गणेश रूप की आरती की, उसके बाद हमने गुरु जी की लक्ष्मी रूप की आरती की, उसके बाद हमने गुरु जी की नारायण रूप की आरती की, और उसके बाद हमने गुरु जी के शिव रूप की आरती की। एंड इट वॉज लास्ट दिवाली व्हेन यू नो आई फेल्ट सो कंप्लीट कि हाँ गुरु जी, आज वो दिन है जब कहीं ना कहीं जाके मुझे ये चीज समझ में आई है कि आप ही सब कुछ हो, आप में ही गणेश जी हैं, आप में ही लक्ष्मी माँ हैं, आप में ही जगदीश हैं, आप में ही शिव, और इन सब का पूजन जो है हम आप में ही कर सकते हैं। सो हमें अलग अलग जगह भटकने की जरूरत नहीं है। एंड आई थिंक दैट वॉज द फिनालिटी विच गुरुजी गेव मी दैट डे, एंड आई फेल्ट सो कंप्लीट, इतना पूर्ण महसूस कराया गुरुजी ने मुझे उस दिन कि जो भटकाव था वो कहीं ना कहीं जाके खत्म हुआ। और जैसे गुरुजी ने ही एक बार जलंधर मंदिर में प्रिंटआउट्स निकलवाए थिरकर बैसो शब्द के, और वो सारी संगत में बंटवाए, और उस शब्द के थ्रू एंड गुरुजी सेड इट्स अ कंप्लीट प्रेयर। सो अगर आप वो भी ध्यान करते हैं, उसको भी ध्याते हैं, इट्स अ कंप्लीट प्रेयर, और उससे भी हम गुरुजी से जुड़ सकते हैं। सो देयर इज नॉट ओनली वन वे थ्रू विच वी कैन कनेक्ट विद गुरुजी। यस, वी कैन कनेक्ट विद हिम थ्रू द शब्द, वी कैन कनेक्ट विद हिम विद ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय गुरु साहिब मंत्र जाप, we can connect with him with om chanting, we can connect with him with gayatri mantra, we can connect with him with hare rama hare krishna, jo bhi guru sahib aapko guide kare aapko samjhaye usi tarike se hum guru ji se connect ho sakte hain, because guru ji sab kuch hain, guru ji nirankar hain, unka sirf ek mantra nahi hai, sare mantra unke hain, aur kitni beautifully guru ji jo hain ना ही मुझे ऐसी संगत से मिलवा रहे हैं जिनके ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो फर्दर डाउन द लाइन में आपसे अभी और शेयर करूंगा, बट ये रियलाइजेशन भी करवा रहे हैं कि जो भी नाम हम जपते हैं, जो भी गुरबानी हम ध्याते हैं, जो भी पाठ हम करते हैं, शिव पुराण पढ़ें, गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, वो सब गुरुजी को ही अर्पित हैं, वो सब गुरुजी का ही बखान। संगत जी, दिवाली वॉज वन सच टाइम जब गुरु जी जो है और अपने ध्यान में चले जाते थे और संगत से मिलना थोड़ा कम कर देते थे, एंड गुरु जी सेड कि ये वो टाइम है जब लोग बहुत कुछ करते हैं। यस, दिवाली फॉल्स ऑन अमावस, और जैसे हम सबको पता है स्पेशली इन इंडिया कि तंत्र और मंत्र जो है अमावस के टाइम बहुत पावरफुल होता है, एंड ऑन दिवाली एंड होली इट इज कंसिडर्ड टू बी क्वाइट स्ट्रॉन्ग। और गुरुजी जो है इन दिनों अपने घोर तप में जाते थे, एंड ही सेड कि मैं अपनी संगत के कष्ट जो है अपने ऊपर ले लेता हूं, एंड स्पेसिफिकली ऑन द बिग डेज ही सेड दैट मैं अपनी संगत का और ज्यादा कल्याण करता हूं। तभी गुरुजी जो है महाशिवरात्रि वाले दिन और जो मेन गुरुजी के चार या पांच बड़े फंक्शंस हैं जिसमें गुरुजी बड़े मंदिर में उस टाइम सत्संग करवाते थे प्रायर टू 2007, एंड बाकी दिन गुरुजी एम्पायर स्टेट में हमें दर्शन देते थे, और इन सब बड़े फंक्शंस में अपने बर्थडे वाले दिन गुरुजी कहते थे जरूर आना, बिकॉज वो स्पेशल डेज हैं जिस दिन गुरुजी मास में संगत का कल्याण करते हैं। एंड दिवाली इज वन सच डे जब गुरुजी की पावर्स और ज्यादा इंक्रीज होती हैं, एंड ही इंक्रीजेस हिज पावर टू मेनी फोल्ड्स, और वो संगत का खूब कल्याण करते हैं। एंड संगत जी, गुरुजी ने ही धीरे धीरे ये भी चीज समझाई कि कैसे जो दिया है, जैसे दीपावली में जो दिया है वो
हमारा मिट्टी का ही शरीर है और उसके अंदर जब हम घी डालते हैं, प्यार, श्रद्धा, सबुरी, सत्संग, सेवा और सिमरन का, तब ही वो निरंकार की जो ज्योत है हमें प्रज्वलित होती है। यस, गुरुजी ने हमारे अंदर अपनी वो ज्योत जला के हमें यहाँ भेजा है, बट कहीं ना कहीं हमारे ही वो संस्कार होते हैं, हमारे ही वो कर्म होते हैं जो हमारे और हमारे प्रभु उस ज्योत के बीच में परतें बनती जाती हैं और हम कहीं ना कहीं उन्हें भूल जाते हैं। एंड गुरुजी जो हैं हमें ये प्यार, श्रद्धा, सबरी, सत्संग, सेवा, सिमरन की दात बख्श के उस निरंकार की अपनी ही ज्योत से साक्षात्कार कराते हैं और हमें अपने उस राम रूप के, अपने उस महाशिव रूप के दर्शन कराते हैं और अपने से जोड़ते हैं। सो थैंक यू गुरुजी, जो आप हमें अपने सत्संग में बुलाते हैं, अपना सेवा सिमरन बख्शते हैं। वेल, हम इस लायक तो नहीं हैं, बट इट्स ऑल योर मेहर। संगत जी, 2019 में छोटी दिवाली वाले दिन अगेन गुरु जी ने बहुत ही प्यारी कृपा की। 2019 में आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ संगत और उन्होंने मुझे बोला कि गुंजन, एक आंटी जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं वसंत कुंज से, और वो जब फार्म हाउस से यहाँ पे आए थे वसंत कुंज में रहने के लिए आए थे, सो उनके पास एक बहुत बड़ा स्वरूप है और अब वो यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, तो क्या आप वो स्वरूप अपने घर ले जाओगे? एंड यू नो, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया। इमिजिएटली मैं उन आंटी के घर गया एंड इट वॉज अ ह्यूज स्वरूप, ह्यूज स्वरूप। लिटरली जितने बड़े बड़े स्वरूप आपने बड़े मंदिर में देखे हैं, उतना ही बड़ा वो स्वरूप था। और वो देख के मुझे एकदम से मुझे समझ ही नहीं आया कि you know, हमारे अंदर बहुत सी नादानियां होती हैं, स्टुपिडिटी होती है, और पहले तो एकदम से देख के मुझे लगा कि इतना बड़ा स्वरूप क्या ये मुझे ले जाना चाहिए कि नहीं। you know, हमारी सोच बहुत छोटी होती है। एंड संगत जी, धीरे धीरे इट सिंक्ड इन कि हाँ, मुझे स्वरूप लेके जाना चाहिए। और वो इतना बड़ा स्वरूप था संगत जी कि मुझे ये नहीं समझ में आया कि कैसे लेके जाएं। इवेंचुअली ट्रांसपोर्ट अरेंज किया गया, उसी दिन उसी टाइम स्वरूप को बबल रैप किया गया और फिर हम लोग वो स्वरूप लेके गुरु जी का मेरे घर गए। जब घर पहुंचे तो मैंने अपनी मदर को फोन किया कि मम्मी, गुरुजी आ रहे हैं। सो मेरी मदर ने जैसे ही दरवाजा खोला और इतना बड़ा स्वरूप देख के गुरुजी का, शी लिटरली स्टार्टेड क्राइंग। वो इतना बड़ा स्वरूप है गुरुजी का, इतना विराट रूप है गुरुजी का कि you know, एक बार को वो स्वरूप देख के वन गेट्स स्टन। और सबसे खूबसूरत बात उस स्वरूप की ये है कि इट इज अ हैंड पेंटेड स्वरूप, ऑयल पेंटेड है वो स्वरूप। और संगत जी, इतने लाइव हैं गुरुजी उसमें कि ऐसे लगता है कि गुरुजी अभी बोल पड़ेंगे उस स्वरूप से। एंड वी आर सो ब्लेस्ड कि गुरुजी छोटी दिवाली वाले दिन 2019 में अपने उस विराट रूप में हमारे यहां आए। संगत जी, 2020 जब लॉकडाउन शुरू हुआ, उससे पहले मैं आपसे सत्संग शेयर करना चाहूंगा कि जब हम बड़े मंदिर जाते थे, छोटे मंदिर जाते थे, तो गुरुजी का आसन देख के ऐसे लगता था कि ऐसा आसन हमारे पास भी होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये भाव था एंड मेरे को बहुत एफिनिटी थी जो एम्पायर स्टेट में आसन है उसके साथ, बिकॉज हमने वहीं मैक्सिमम गुरुजी को के दर्शन किए थे और बहुत लगाव था हमें एम्पायर स्टेट से, है अब भी। एंड संगत जी, गुरुजी स्टार्टेड शोइंग मी हिज आसन इन माय ड्रीम, बट वो रेड कलर का नहीं, ग्रीन वेलवेट में गुरुजी ने अपना एम्पायर स्टेट वाला आसन दिखाया। जब फर्स्ट टाइम गुरुजी ने मुझे वो आसन दिखाया, सो जब मैं मॉर्निंग में उठा तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी बहुत सुंदर है,
ओके आई गेट द इंडिकेशन कि हम आसन ला सकते हैं, बिकॉज जब तक तो गुरु जी की आज्ञा ना हो या गुरु जी की मर्जी ना हो तो हम कोई काम कर भी नहीं सकते। और ये दिखा कि गुरु जी ने हरी झंडी दे दी एंड संगत जी, बट स्टिल मैंने बोला गुरु जी रेड कलर का वेलवेट में आपका आसन बहुत सुंदर लगता, आपने तो मुझे ग्रीन दिखाया। एंड देन विद इन फ्यू डेज गुरु जी ने मुझे फिर से वही आसन, ग्रीन आसन दिखाया। अब मैंने गुरु जी को बोला, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी थिंकिंग चेंज होती है, हमारी लाइकिंग्स चेंज होती हैं, हमें खुद ही नहीं पता होता कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या अच्छा लगता है, यू नो। फिर मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी बट आपका जो बड़े मंदिर में आसन है वो तो और ज्यादा रॉयल है, वो तो और ज्यादा खूबसूरत है, क्या वो वाला आसन नहीं ला सकते हम? देन अगेन थर्ड टाइम गुरु जी ने मुझे सेम एम्पायर स्टेट वाला आसन ग्रीन वेलवेट में दिखाया। संग जी, नाउ इट वॉज द फाइनल इंडिकेशन, थ्राइस ही हैड शोन मी गुरु साहिब आसन इन ग्रीन वेलवेट। और संग जी, हमने जो है वो आसन गुरु जी का बनने के लिए दिया, अगेन विद गुरु जी में है, बट जैसे ही वो आसन बनने के लिए दिया, विद इन फ्यू डेज लॉकडाउन हो गया 2020 में, और वो काम जो है वो रुक गया। नाउ गुरु जी केम इन वन संगत्स ड्रीम, और वो उसी ग्रीन आसन के ऊपर बैठे हुए थे और उनके आसपास मिट्टी के दिए जल रहे थे, और वो लिटरली उस संगत को समझ में आ गया कि ये दिवाली का ही सत्संग हो रहा है। और गुरु जी ने बहुत गुस्से में, गुरु जी उस आसन पे बैठे हुए थे और बहुत गुस्से में गुरु जी ने बोला, और बहुत स्टर्न होके गुरु जी ने बोला, बिफोर दिवाली। सो यू नो, उन अंकल ने मुझे इमिजिएटली फोन किया, ही सेड, अंकल मुझे आपका ही पता है जिसको गुरु जी ने ये दर्शन बार बार दिए हैं ग्रीन आसन के लिए, सो ये मैसेज आपके लिए ही है। और गुरु जी ने बहुत स्ट्रिक्टली गुस्से में बोला है कि बिफोर दिवाली। सो नाउ यू नो, आप देखिए कि गुरु जी कितने कृपालु हैं कि तीन बार आदेश करने के बाद भी, यू नो, फोर्थ टाइम उन्होंने अपने संगत के थ्रू हमें मैसेज दिया कि बिफोर दिवाली ये गुरु जी का आसन जो है वो आ जाना चाहिए। और संगत जी, फिर हम जिनको ऑर्डर प्लेस किया था, हमने उनको बार बार रिक्वेस्ट की, वो उन्होंने आनाकानी की कि लॉकडाउन है, पॉसिबल नहीं है, बट समहाउ हमने बहुत उनको जब परसुएट किया और हमने फिर गुरुजी पे ही छोड़ दिया कि गुरुजी वो तो नहीं मान रहे हैं, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, बट अगर वो नहीं करते हैं तो फिर हम कहीं और ऑर्डर प्लेस करेंगे, बट इवेंचुअली ही अग्री। और संगत जी, छोटी दिवाली वाले दिन ही गुरुजी का आसन जो है हमारे घर में आया, और नेक्स्ट डे दिवाली वाले दिन हमने वैसे ही घी के, मिट्टी के दिए जो हैं गुरुजी के आसन के चारों तरफ लगाए और गुरुजी का सत्संग किया। एंड संगत जी, उसके आसपास इतनी गुरुजी की मेहर हुई, उससे पहले भी, उसके बाद भी, कैसे गुरुजी ने लॉकडाउन शुरू होते ही अमृत वेला और संध्या वेला के सत्संग हमें बख्शे, एवरी डे गुरुजी ने सत्संग कराए। और संगत जी, इतनी सारी चीजें हुई जिसमें मेरी पूरी फैमिली को कोविड हुआ, मेरे फादर की कंडीशन डिटीरियोरेट हुई, मेरी मदर को ड्रीम में दिखाया कि मेरे फादर जो है उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा है, डॉक्टर प्रेम और डॉक्टर नीलम जो है वो हमारे घर आए सत्संग में, और उन्होंने बोला कि चलो हम इनको ले चलते हैं सफदरजंग हॉस्पिटल, उन्होंने बोला हम हॉस्पिटल साथ चलते हैं, नीचे हमारे घर के एम्बुलेंस आई, मेरे फादर को उस एम्बुलेंस में लेके गए। और ये सब चीजें गुरु जी ने कष्ट दिवाली के आसपास ही कैसे सारे उन्होंने कष्ट ड्रीम में ही दिखा के कटवा दिए। वो कंडीशन जो है लिटरली दिवाली वाले दिन हमारे घर में मेरे फादर को और मुझे कोविड हुआ, और कैसे उनका ऑक्सीजन लेवल भी डाउन गया, हमने फिर डॉक्टर प्रेम से फोन पे कंसल्ट किया, उन्होंने बोला अगर ये इसी लेवल पे रहता है, रिकवर नहीं करते हैं, इनका ऑक्सीजन लेवल रिकवर नहीं करता है, तो आप इनको इमीडिएटली मेरे पास यहाँ पे ले आइए। एंड संगत जी, विद इन फ्यू आवर्स कैसे मेरे फादर का ऑक्सीजन लेवल रिकवर किया, कैसे गुरु जी ने जो ड्रीम में दिखा के ही कष्ट काटे, कैसे गुरु जी ने अपना आसन हमारे घर में स्थापित करवाया, कैसे गुरु जी ने अपना स्थान जो है
हमारे घर में बख्शा, कैसे उन्होंने सुबह शाम सत्संग कराए, कैसे उन्होंने सबको, हमारे घर में कोविड हुआ, मेरे फादर को न्यू लाइफ ब्लेस की, हम सबको ब्लेस किया। एंड यू नो देयर बीन मल्टीपल सत्संग। अगर मैं सिर्फ लॉकडाउन के सत्संग शेयर करना शुरू करूंगा तो हम पूरी रात भर बैठे रहेंगे, तो भी वो सिर्फ लॉकडाउन के ही सत्संग नहीं खत्म। इतनी मेहर गुरु जी की रही लॉकडाउन में, एंड स्पेशली कैसे गुरु जी का ये आसन आया मल्टीपल टाइम्स दिखाने के बाद, बिकॉज गुरु जी ने ये चीज भी बोली कि मेरी जो ब्लेसिंग है जो मैं तुम्हें कहता हूं करने के लिए, दैट इज टाइम स्टिप्युलेटेड, वो टाइम रिस्ट्रिक्टेड है, एक पर्टिकुलर टाइम तक है। उस टाइम पीरियड तक अगर आप मेरी आज्ञा को नहीं मानते तो फिर उसके बाद वो चीज करने का कोई फायदा नहीं। और इससे रिलेटेड भी एक पर्टिकुलर सत्संग है, बट इट वुड टेक द सत्संग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। यस, गुरुजी जो चीज कहते हैं वो पत्थर की लकीर है, गुरुजी ने जो एक चीज कह दी वो अनंत तक है, बट कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस अगर गुरुजी आपको करने को कहते हैं तो वो आप जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि वो किस टाइम पीरियड तक है या किस टाइम पीरियड पे आपको वो मुश्किल आने वाली है और गुरुजी के हुक्म को मानकर गुरुजी उस कष्ट को कटवा देते हैं, और अगर हम उनका हुक्म नहीं मानते हैं तो फिर जब वो टाइम आता है तो ऐसा नहीं है कि गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं रहती, बट फिर हमें उन चीजों के थ्रू जाना पड़ता है। और अगेन गुरुजी की चरण चरण में है, वो 90% लेते हैं, बट देन फिर हमें वो 10% भुगतना पड़ता है। और अगर हम गुरु की आज्ञा में रहते हैं, गुरु की लक्ष्मण रेखा में रहते हैं, गुरु जी की आज्ञा को फॉलो करते हैं, तो वो 10% भी गुरु जी जो है अपने हुक्म के द्वारा वो भी वो कटवा देते। सो दैट इम्पॉर्टेंट इट इज टू फॉलो गुरु साहिब हुक्म, टू फॉलो गुरु साहिब वचन। एंड संग जी, दिवाली से ही रिलेटेड, अगेन 2021 में, 2022 में, इस साल भी गुरु जी ने बैक टू बैक 2 साल मुझे अपने सत्संग शेयर करने का ऑनलाइन ये मौका दिया। सो अगेन गुरु साहिब्स ब्लेसिंग्स। सो हाउ स्पेशल गुरु जी मेक्स माय दिवाली एवरी ईयर, इट्स ब्यूटिफुल। थैंक यू गुरु जी। और संग जी, अगेन रीसेंट सत्संग ही मैं आपसे शेयर करूंगा, 2 सत्संग कल के ही हैं। कैसे दिल्ली में माय फैमिली इज देयर, करेंटली आई एम पोस्टेड एट जोधपुर फॉर अ मंथ। मैं यहाँ का भी आपसे सत्संग शेयर करूंगा और दिल्ली में क्या सत्संग हुआ वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। रजनीश अंकल हैं जिनको गुरुजी ड्रीम में आए और उन्होंने देखा कि उनके घर में सत्संग हो रहा है और मेरे मदर जो हैं वो वहां पे सत्संग अटेंड कर रहे हैं और वो ध्यान में है गुरुजी के। और एक मेरी मदर के साथ एक और संगत आई, उनको ये नहीं समझ में आया कि कौन संगत आई। और जब कल मेरी मदर उनके यहाँ सत्संग अटेंड करने के लिए गए जैसा गुरुजी ने उनको ड्रीम में दिखाया था, सो मेरे फादर भी गए मेरे मदर के साथ, जो यूजुअली सत्संग नहीं अटेंड करते हैं। और अगेन एज पर द ड्रीम वैसा ही हुआ। संगत जी, उन्होंने एक और चीज देखी ड्रीम में कि एक आंटी आए, उन्होंने अपना बैग रखा, उन्होंने फिर गुरुजी को मत्था टेका, फिर उन्होंने अपना बैग उठा के एक जगह पे जाके बैठ गए। सेम चीज कल उनके सत्संग में हुई, एक आंटी आए, उन्होंने एक बैग रखा अपना, साथ में मत्था टेका गुरुजी को, और सेम उसी जगह पे जाके बैठे जैसे उनको ड्रीम दिखाया। उसके बाद उन अंकल को दिखाई दिया कि बस इतनी ही संगत थी, वो सेवा कर रहे थे, किचन में थे, वो जैसे ही गुरुजी के दरबार में जाने लगे अपने घर में, गुरुजी जो हैं वो डोर पे खड़े हुए और गुरुजी अंदर की तरफ देख रहे थे, अपनी संगत को देख रहे थे। सो रजनीश अंकल एकदम से गुरुजी को जब उन्होंने देखा तो बहुत खुश हो गए और उन्होंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप हमें कुछ बताओ। गुरुजी कुछ नहीं बोले, उन्होंने बोला गुरुजी आप हमें गाइड करो, आप हमें कुछ तो बताओ। एंड जब अंकल ने 3-4 बारी गुरुजी को एक चीज पूछी, गुरुजी का सत्संग ही चल रहा था, संग जी, तब गुरुजी ने जो चीज बोली, गुरुजी ने बोला
कि असल ते कोई मंगता ही नहीं। अगेन गुरुजी सेड द सेम थिंग, जो गुरुजी कब से पूरी संगत को चीज यही बोल रहे हैं कि असल ते कोई मंगता ही नहीं। एंड संगत जी, हम सबको पता है कि असल क्या है, हम सबको पता है कि गुरु जी ही वो हैं, वो निरंकार हैं जिनको हमें मांगना चाहिए, गुरु जी ही वो हैं जिनकी भक्ति हमें मांगनी चाहिए, गुरु जी ही वो हैं जिनका नाम हमें गुरु जी से मांगना चाहिए। यस, हम सबको ये पता होते हुए भी गुरु जी को टाइम एंड अगेन ये कहना पड़ रहा है कि असल ते कोई मंगदा ही नहीं। एंड संगत जी, ये चीज भी गुरु जी ने तब बोली जब अंकल ने बार बार गुरु जी से पूछा। और संगत जी, एक अंकल के ड्रीम में गुरु जी आए, गुरु जी बहुत दुखी थे और गुरु जी आके टूटी हुई चारपाई पे बैठ गए और गुरुजी ने उस समय भी यही चीज बोली कि लोगों को ये पता ही नहीं है कि मांगना क्या है। लोग उससे उल्टी सीधी चीजें मांगते रहते हैं। संगत जी, कहीं ना कहीं हम सब कल्प्रिट हैं, बिकॉज यस वी नो हु गुरुजी इज, गुरुजी इज निरंकार, बट जब से ये रियलाइजेशन हुई है हमें, हम गुरुजी से कॉन्स्टेंटली बात भी करते हैं, बट कॉन्स्टेंटली कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक भाव ये भी होता है कि हाँ, ये तो गुरुजी कर देंगे, हाँ ये तो, अगर किसी को पैसे की कमी होती है तो ये सोचता है कि ये तो गुरुजी पूरा कर देंगे, किसी के बच्चे का एडमिशन नहीं होता है तो हाँ ये तो गुरुजी करवा देंगे, किसी के बच्चे की शादी नहीं हो रही होती है, हाँ ये तो हमने गुरुजी पे छोड़ दिया। अगर हमें प्रमोशन नहीं मिलती तो हम, अरे ये तो गुरुजी करवा देंगे, हम यही सोच के इसी भाव से गुरुजी के पास जाते हैं। हम और क्लेवर हो गए हैं कहीं ना कहीं, हम गुरुजी को अभी ये चीजें कहते नहीं हैं, हम गुरुजी से मांगते नहीं हैं, हम पूरे हक से बस ये अपने मन में ही सोच लेते हैं कि हाँ ये तो गुरुजी कर दें। एंड यू नो, ये भाव जो है, वेल आई वुड नॉट से ये गलत है, बट ये कहीं ना कहीं हमें गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है। जो सही रास्ता है गुरुजी का, उस रास्ते से हम भटक रहे हैं और हमारा जो रिश्ता है गुरुजी के साथ वो कहीं ना कहीं सिर्फ लेन देन का रह गया। यस, हम डायरेक्टली नहीं मांगते, हम ये सोचते हैं कि हम मांगो नहीं मानो का प्रिंसिपल भी फॉलो कर रहे हैं, बट हमारे अंदर इच्छाएं वो होती हैं जिसको भी गुरुजी ब्लेस करते हैं। So, गुरुजी, हम हमारे अंदर अभी वो साधु भाव नहीं आया है कि हमारे अंदर की इच्छाएं भी मर जाएं, बट कहीं ना कहीं हम सब कल्प्रिट हैं जो जानते हुए भी वो असल नहीं आपसे मांग पा रहे, वो असल हम की दात हम नहीं आपको कह पा रहे या महसूस कर पा रहे जो हमें करनी चाहिए। So we are really sorry for that. और संगत जी, मांगो नहीं मानो जो है literally translates to निष्काम भक्ति, कि हमें गुरु जी से कुछ भी नहीं मांगना है, हमें बस उन पे विश्वास करना है, हमें गुरु जी को मानना है, हमें गुरु जी की बातों को मानना है, हमें गुरु जी पे भरोसा होना चाहिए। हम जो भी सेवा सिमरन करें वो सिर्फ गुरुजी के लिए ही करें और गुरुजी को ही अर्पित करें, उसके अगेंस्ट कोई चीज डिमांड ना करें या कुछ भी गुरुजी से मांगे ना। संग जी, यहां पे ही कल एक संगत से मुलाकात हुई, उनके हस्बैंड अभी अभी गुरुजी से जुड़े और उनकी वाइफ जो हैं वो गुरु नानक जी में उनका बहुत विश्वास है और कुछ इस तरह की परिस्थिति उनके घर में है कि उनकी मदर इन लॉ जो हैं शी इज बेड रिडन, पैरालाइज्ड भी हैं वो और वो कुछ बोल नहीं पाती। संगत जी,
उनको जो है वो एक गुरुद्वारे में कुछ कंपटीशन होते हैं तो उससे रिलेटेड किसी चीज में पार्टिसिपेट करना चाहती थी, बट उनके फादर इन लॉ ने मना किया। एंड यू नो वो रात को रोए और सो गए, और कहीं ना कहीं उनकी घर की परिस्थिति भी ऐसी है कि वो अपने मदर इन लॉ को छोड़ के भी नहीं जा सकते, बट उनका बानी में सिख हिस्ट्री में इतना लगाव है, इतना जुड़ाव है कि उन्होंने जब भी कौन बनेगा प्यारे का प्यारा करके कॉन्टेस्ट है एंड उसके अंदर वो पार्टिसिपेट करती हैं और वो हमेशा फर्स्ट आती, और इतना उनको गुरबानी के बारे में नॉलेज है। बट जब उनको मना किया गया वो रात को रोए, और रात को जब उनको ड्रीम में गुरु नानक देव जी ने दिखाया एक वॉल के ऊपर, इशारा किया और उसके ऊपर लिखा हुआ था भरोसा। संगत जी, इट इज द सेम भरोसा जो हमें गुरु साहिब पे, गुरु साहिब के राम रूप पे, नानक रूप पे, शिव रूप पे नहीं है। भरोसा वो दात है जो अरदास में भी मांगते हैं, भरोसा दान, भरोसे का दान मांगा जाता है, और वो भरोसा ही वो चीज है जो गुरुजी ने हमें बोला मांगो नहीं मानो। जिस दिन हमें वो भरोसा आ जाएगा गुरुजी पे, भरोसा ही वो असल चीज है जो हमें गुरुजी से मांगनी है कि प्रभु हमको आप पे इतना भरोसा हो कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी, जितना बड़े से बड़ा दुख आ जाए, जितनी बड़े से बड़ी तकलीफ आ जाए, हमें आप पे भरोसा हो, आपके भाने को हम मीठा जान के उसे स्वीकार करें, हम कोई कंप्लेंट्स ना करें, हम आपके निरंकार के भाने को जो आप कर रहे हैं उसको सहर्ष स्वीकार करें, जो भी आप हमारे को जिस भी लायक समझ के, हमारे जिस भी तरीके से हमारे कर्म कटवा रहे हैं, सुख में रख के, दुख में रख के, उस ही तरीके से हम उस भाव में रह के, आप में भरोसा रख के, आप में पूर्ण श्रद्धा सबुरी रख के हम उन कर्मास को काट सके प्रभु। यही वो असल चीज है, यही वो चीज है जो गुरुजी हमें देने आए हैं, यही वो गुरुजी का नाम है, यही गुरुजी अपने निरंकार की ज्योत हम सब में हमें दिखाने आए हैं, जो कहीं ना कहीं टाइम एंड अगेन हम भूल जाते हैं। संगत जी, उनकी जो मदर हैं वो बेड रिडन है, वो लेके जब वो उनको मिलाने के लिए मेरे को व्हील चेयर पे बाहर लेके आए, मैंने उनके साथ गुरुजी के सत्संग शेयर किए, और उससे पहले जब वो मुझे मिले वो इतने सुंदर, इतने प्योर, इतने ब्यूटीफुल हैं। एंड संगत जी, वो सिर्फ वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु ही बोलते हैं, उसके अलावा अब वो कुछ बोलते ही नहीं। उनकी जो स्पीच है वो ब्लर हो चुकी है, उनकी बात किसी को समझ में नहीं आती, बट वो एब्सोल्युटली क्लियरली सिर्फ वाहे गुरु बोलते हैं। उनसे कोई अगर कुछ पूछता है तो वो बोलते हैं वाहे गुरु वाहे गुरु। उन्हें कोई बोलता है मैं पानी पिला दूं, वो बोलते हैं वाहे गुरु वाहे गुरु। उनके मुख पे अब वाहे गुरु के सिवा और कुछ भी नहीं है। संगत जी, यही वो असल है जो गुरु जी हमें देने आए हैं, यही वो गुरु जी का नाम है जो वो हमें देने आए हैं। वो आंटी जो है, उनके बेटे ने ही मुझे बताया कि वो गुरुजी के बारे में ऑनलाइन ही उन्होंने उन्हें पता लगा, और जिस दिन उन्होंने गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी आप आओ और मुझे मिलो, आप आके मेरी बांह पकड़ लो,
कहते मैंने आज ही गुरुजी को अरदास की थी और गुंजन अंकल आप आज ही आ गए हैं। वेल, हम लोग यहाँ पोस्टिंग पे आए हैं जोधपुर पे, तो हमारी कंपनी ने एक फ्लैट लिया हुआ है, उनके ही प्रिमाइसेस में है, दे आर द ओनर्स, तो उन्होंने हमें रेंट पे दिया हुआ है। सो आप देखिए संगत जी कैसे उनकी अरदास पूरी हुई, कैसे गुरुजी ने मुझे यहाँ भेजा, कैसे उनकी मदर के साथ मैंने गुरुजी के सत्संग शेयर किए और गुरुजी के सत्संग सुनते हुए वो रोने लग गए। सो आप देखिए संगत जी की पहली बार उन्होंने गुरुजी के सत्संग सुने और पहली बार में ही गुरुजी से उनका जुड़ाव हो गया। और संगत जी उनके बेटे ने मुझे ये भी बताया कि मेरी मदर को जो है आसपास घूमते हुए भी दिखाई देते हैं। सो उन्होंने बोला कि मैंने गुरुजी का भी स्वरूप अपनी मदर को दिखाया कि ये दिखते हैं, तो वो वाहेगुरु वाहेगुरु उन्होंने बोला। कह रहे मैंने गुरु नानक का उनको दिखाया कि ये दिखते हैं, उन्होंने फिर बोला वाहेगुरु वाहेगुरु। तो आप देखिए संगत जी कि मैं उन अंकल को यही बोल रहा था कि अंकल हमें लग रहा है कि ये बेड रिडन है, हमें लग रहा है कि इनको ब्रेन स्ट्रोक है, हमें लग रहा है कि ये पैरालाइज्ड हैं, हमें लग रहा है कि ये कुछ कर नहीं पा रहे, बट गुरुजी ने इनको वो अवस्था बख्श दी है जो संतों को भी दुर्लभ है। उनके मुख पे, उनके मन में, उनकी आत्मा में सिर्फ और सिर्फ वाहेगुरु चलता है। और मुझे तो ये भी नहीं समझ में आया, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गुरुजी ने ये भी समझाया कि किसी और के लिए प्रेयर करना भी बहुत एक डाइसी चीज है, बिकॉज आप अगेन गुरुजी के भाने में, गुरुजी निरंकार ने जो चीज किसी की किस्मत में लिखी है उनको वो कर्मास भुगतवाने के लिए, ताकि वो उन चीजों से सीखें और उनकी आत्मा प्रबल हो, स्ट्रांग हो और वो एक हायर स्पिरिचुअल रेल्म में पहुंचे। तो जब हम उनके लिए प्रेयर करके उनकी वो दुविधाएं, उनकी वो परेशानियां हटाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम गुरुजी को ये कह रहे हैं कि गुरुजी आपको तो पता नहीं, आप हमें ये दिख रहा है कि उनको एक कष्ट है, तो आप प्लीज हमारी प्रेयर सुनिए और आप उनके कष्ट हर लीजिए। वेल, हुआ वी टू इंटरफेयर इन देयर कार्मिक जर्नी एंड द वे गुरुजी वॉन्ट्स them to learn things and grow spiritually, aren't we interfering in their karmas and in the karmic analogy of what is being happening in this cosmos? So ye cheez itne profound ways mein itne tarike se guruji ne mujhe samjhai hai ki ab mere ko hi nahi samajh mein aata ki main kisi ke liye kaise pray karu aur kya pray karu। Aur jab aunty ko dekha to mujhe ye cheez कहीं ना कहीं समझ में आई कि गुरुजी ने इनको तो वो संतों वाली अवस्था बख्श दी है जो तपस्या करके भी दुर्लभ है, तो मैं आंटी के लिए भी क्या प्रे करूं। एंड संगत जी कल एक सत्संग गुरुजी ने यहां अटेंड करवाया, एक संगत के घर हम गए, अगेन उनका इतना ब्यूटीफुल भाव, इतने प्यार से उन्होंने सत्संग किया और उसके बाद संगत जी उन्होंने अपना सत्संग जो शेयर किया वो ये था कि उनकी बहन, मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे गुरुजी से जुड़े, सो उन्होंने बताया कि कैसे गाजियाबाद में उनकी एक सिस्टर हैं, अगेन जो वो थी वो बेड रिडन हो गई थी, पैरालाइज थी, उनको स्क्विंट था आईज में, उनके नर्व्स में इश्यूज थे और उन कि सिस्टर के घर, उनकी कजन सिस्टर के घर कोई आए, बंगाली अंकल आए और उन्होंने आके गुरुजी के सत्संग शेयर करने शुरू किए कि आप अपनी बेटी को वहां लेके जाओ, बट उनकी मदर ने बिलीव नहीं किया और उनकी बेटी ने बोला कि मुझे तो गुलाबों की खुशबू आ रही है। तब उन्होंने जब अपनी मदर को ये चीज बताई तो उनकी मदर ने जब ये चीज उन अंकल को बताई, बिकॉज वो सुन चुकी थी कि गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती है, तब उनको समझ में आया, उनको रियलाइज हुआ कि हाँ कुछ बात तो है। और संगत जी फिर वो बड़े मंदिर
उनको व्हीलचेयर पे लेके गए। इमेजिन वो 20-21 इयर्स की यंग गर्ल पैरालाइज्ड विद मल्टीपल इश्यूज, उनको व्हीलचेयर में गुरुजी के पास लेके गए, बड़े मंदिर लेके गए। एंड संग जी, आई शुड से यू वोंट बिलीव इट, बट वो आंटी गुरुजी के पास बड़े मंदिर व्हीलचेयर के ऊपर गए और बड़े मंदिर से वो बाहर चल के वापस आए। गुरुजी की इतनी मेहर कि गुरुजी ने अपनी संगत को उनके घर भेज के उनको बुलाया अपनी फ्रेग्रेंस से अपने होने का उनको एहसास कराया, फिर उनको बड़े मंदिर बुलाया, व्हीलचेयर से उठा के उन्होंने उन यंग आंटी को उनके पैरों पे खड़ा किया। गुरुजी देखने में तो हम सब, हमारे हाथ पांव ठीक हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारा मस्तिष्क भी ठीक है, बट कहीं ना कहीं हम भी अपाहिज हैं, हम में भी वो समझ नहीं है कि हम आपसे क्या मांगे या किस तरीके से निरंकार को प्रे किया जाता है, किस तरीके से आपके शरण में आया जाता है, किस तरीके से आपका नाम जपा जाता है, हमें कुछ नहीं आता। हमें भी वो समर्था बख्शिए कि हम भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से अपाहिज हैं, हम भी आपके चरण शरण में आकर, हम भी आपके दिखाए हुए रास्ते पे चल सकें, आप हमारी भी बांह उस तरीके से पकड़िए जैसे आपने उन आंटी की बांह पकड़ के उनको व्हीलचेयर से उठा के पूर्ण रूप से स्वस्थ किया, ना ही मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आत्मिक बल से। हम सबको भी उसी तरीके से बख्शिए, हम सबका भी हाथ पकड़िए गुरुजी, क्योंकि हम रोज कुछ ना कुछ गलती करते हैं, पाप करते हैं मानसिक तरीके से, कुछ कह के, कुछ करके। आप ही वो बख्शंत महापुरुष हैं, निरंकार हैं, महाशिव हैं, राम हैं, जो इस धरती पे हमें बख्शने आए हैं। सो बख्शिए गुरुजी। और संग जी, उन अंकल का मैं बहुत जल्दी, आई वोंट टेक मच टाइम बिकॉज आई नो इट्स बीन ऑलमोस्ट एन आवर, बट हिज सत्संग इज सो ब्यूटिफुल दैट आई कांट रेजिस्ट एंड जस्ट शेयर इट। संग जी, उनको गुरुजी ने दिखाया कि जब वो गुरुजी का टीका करते थे अमृत वेला सत्संग में, तो वहां पे गुरुजी के चरणों में जब वो टीका करते थे तो वहां टीके में कृष्ण जी बन जाते थे। और संग जी, फिर गुरुजी उन अंकल के ड्रीम में आए, जिन अंकल ने अपने कजन सिस्टर का ये सत्संग शेयर किया था, जिनके हमें कल छोटी दिवाली वाले दिन सत्संग अटेंड किया, उन अंकल के ड्रीम में गुरुजी आए और गुरुजी उनको कहते हैं कि कृष्ण भक्ति कर। संग जी, फिर वो अंकल उठे, उन्हें समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना है। एंड उसी दिन उनकी वाइफ जो है, अंदर से उन्होंने कुछ बुक्स निकाली और शेल्फ में उन्होंने वो प्लेस कर रही थी, तो इन्होंने देखा कि उनकी वाइफ ने भगवत गीता निकाल के रखी। उन अंकल ने वो भगवत गीता पढ़नी शुरू की जैसे गुरु जी ने उनको गाइड किया। एंड संग जी, फिर धीरे धीरे उन्होंने यूट्यूब पे उन चैप्टर्स के मीनिंग एक्सप्लेनेशन सुननी शुरू की और उससे ही उनको ये चीज समझ में आई कि गीता में भगवान कृष्ण ने ये कहा है कि
अलग अलग टाइम के अलग अलग तरीके थे भगवान को पाने के। सतयुग में लाखों वर्षों की उम्र होती थी जिसमें तप करके संगत जो है वो निरंकार से मिल सकती थी। श्री राम का त्रेता युग आया, उसके अंदर दान पुण्य करके प्रभु को पाया जा सकता था। द्वापर आए कृष्ण जी के टाइम पे, यज्ञ करके प्रभु को पाया जा सकता था। पर संगत जी अब ये कलयुग आया है और कलयुग में जो कृष्ण जी ने उपाय बताया वो बताया कि सत्संग करके और प्रभु का नाम जप के ही प्रभु को पाया जा सकता है। और वही चीज गुरु जी ने उन अंकल को बोली कि असल ते कोई मंगता ही नहीं। ये जो गुरु साहिब के सत्संग हैं, जो गुरु साहिब हमें गुरबानी से जोड़ते हैं, जो शिव पुराण से जोड़ते हैं, गीता से जोड़ते हैं, रामायण से जोड़ते हैं, नाम से जोड़ते हैं, यही असल चीज है, यही गुरु साहिब। और यही कल वो अंकल भी अपना सत्संग शेयर करते हुए बता रहे थे कि गीता का सार भी यही है, जो शिव पुराण का सार है, जो वाणी का सार है, जो गुरु जी कह रहे हैं कि असल ते कोई मंगता ही नहीं। एंड संगत जी फिर कितनी खूबसूरत चीज उन अंकल ने शेयर की, कहते हैं कि हम लॉकडाउन में तो अमृत वेला उठ पाते थे, बट जैसे जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ हम अमृत वेला नहीं उठ पा रहे थे। कहते हैं कि फिर मैंने कोशिश की 4 बजे उठ के मैं जाप करूं जैसे गुरु जी ने बताया कि कृष्ण भक्ति कर, तो ये चीज उन्हें समझ में आई कि कृष्ण और राम का जो महामंत्र है वो उन्होंने जाप शुरू किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, और इसका उन्होंने कंटिन्यूस जाप करना शुरू किया। एंड उनकी जो है उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं 4 बजे कैसे उठूंगा और कैसे ये जाप करूंगा। ऑलमोस्ट 2 to 3 hours गुरुजी उनसे ये जाप कराते हैं नाम जाप। उनके ड्रीम में कृष्ण जी आए, 4 बजने से 5 मिनट पहले कृष्ण जी उनके ड्रीम में आए और कृष्ण जी ने उन अंकल को बोला उठ जा। सो आप देखिए संगत जी कैसे गुरु जी ने उन अंकल को पहले आके बोला कि कृष्ण भक्ति कर। वो अंकल गुरु जी का अमृत वेला उन्होंने करना शुरू किया लॉकडाउन में, गुरु जी ने उनको बोला, उन्होंने गुरु जी के चरणों में कृष्ण के रूप दिखाई दिया, गुरुजी ने उनके ड्रीम में आके उनको बोला कृष्ण भक्ति कर, और यहाँ कृष्ण जी आ रहे हैं उनको उठाने के लिए कि मेरा नाम जाप कर अमृत वेले उठ जा। संगत जी इससे ब्यूटीफुल और क्या हो सकता है, इससे बड़ी दात और क्या हो सकती है कि प्रभु खुद कह रहे हैं कि मेरे कृष्ण रूप की भक्ति कर। गुरुजी खुद कह रहे हैं कृष्ण रूप में आके कि उठ जा नाम जाप कर, और उन अंकल को इतनी समर्था बख्श रहे हैं कि वो 3-3 घंटे अमृत वेले सुबह उठ के गुरु साहिब का हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे महामंत्र का जाप कर रहे हैं। How is it possible? It is only and only Guru Sahib's meher. यही वो देने आए हैं, यही गुरुजी ने उन अंकल को दिया, उनकी झोली में ये दात बख्शी। क्यों बख्शी? क्योंकि वो ये दात लेने के लायक गुरुजी ने उनको बनाया, उनको अमृत वेले उठाया, उनसे अपने सत्संग कराए। उन्होंने गुरुजी से कुछ नहीं मांगा, गुरुजी ने उनकी झोली में राम रतन, नाम रतन, शिव रतन, कृष्ण रतन दिया। इससे बढ़कर
और क्या हो सकता है, इससे बढ़कर हम गुरु जी से क्या मांग सकते हैं। गुरु जी तो बगैर मांगे हमारी झोली इस रतन से भरने को तैयार है, पर हमारी मांगे खत्म ही नहीं होती, हमारी झोली में वो जगह ही नहीं है कि हम ये नाम के रतन को ले सकें। संगत जी, I'm again sorry, it's exceeding the time, but ये असल वाली बात जो है, this is so important, this is such an important message. उनके ही मदर जो हैं, उनको गुरुजी ड्रीम में आए और गुरुजी एक चेयर पे बैठे थे, उन्हीं के साथ वाली चेयर पे उनकी मदर बैठी थी। आप देखिए, संगत का स्थान गुरुजी ने अपने साथ रखा हुआ है। कितनी ऊंची उन आंटी की सूरत है कि गुरुजी उन्हें अपने साथ बिठाते हैं, इतना लाड करते हैं गुरुजी अपनी संगत को। संगत जी, आंटी ने बोला कि मैं एकदम से घबरा गई जब मैंने देखा मेरे साथ गुरुजी बैठे हैं। उन्होंने बोला, मैं एकदम से खड़ी हुई और मैं पीछे जाके बैठ गई, और नीचे और पीछे जाके बैठ गई सत्संग में, और मैं गुरुजी का नाम ध्याने लगी। कह रही हैं, आंटी ने बोला कि गुरुजी मेरे पास आए और गुरुजी कहते हैं, आंटी एयो नाल जाना है। अगेन सच अ बिग मैसेज फॉर अस, कि यही नाम जो वो गुरुजी का जप रही थी गुरुजी के सत्संग में बैठ के, यही हमारे साथ जाएगा। यही वो परमात्मा का नाम है, यही वो ज्योत गुरुजी हमारे अंदर जलाने आए हैं, प्रज्वलित करने आए हैं, जो जन्मों जन्मों तक हमारे साथ रहेगी, मरने के बाद भी हमारी आत्मा के साथ रहेगी। यही अपनी वो फ्रेग्रेंस, नाम की वो फ्रेग्रेंस गुरुजी हमारे अंदर सौंपने आए हैं। हमें वो इस नाम का अधिकारी समझते हैं, तभी गुरुजी दुखी होते हैं और कहते हैं कि असल ते कोई मंगता ही नहीं। गुरुजी, हम मूर्ख हैं, हम नहीं जानते कि असल क्या है, हमें नहीं पता कि आपका जो नाम है उसको कैसे लिया जाता है, उस पे कैसे ध्याया जाता है। आप ही कृपा करो, आप ही मेहर करो, आप ही हम संगत को भूला हुआ बच्चा मान के समझ के, अगर आप ही हम पे कृपा करोगे तो ही हम इस असल के लायक बन सकते हैं, तो ही हम इस असल को आपसे ग्रहण कर सकते हैं। आई नो गुरुजी, आप बोलोगे दैट यू आर पुटिंग द बॉल बैक इन माय कोर्ट, बट यस गुरुजी, इट सब आप पे ही निर्भर है, हम कुछ नहीं कर सकते। सो आप ही इस असल का दान कीजिए, आप ही हमें उस भरोसे का दान कीजिए, आप ही हमें उस नाम का त्याग कीजिए और हमें बख्शी। थैंक यू सो मच गुरुजी, साथ संगत जी, आपने जो गुरुजी का ये गुणगान करने के लिए ये मौका दिया दीपावली के शुभ अवसर पर, गुरु साहिब की ये ज्योत हम सब में प्रज्वलित रहे, हम अपने अंदर गुरु साहिब के इस लॉ का साक्षात्कार कर सकें, गुरु जी से हम अपने अंदर ही मिल सके। गुरु साहिब, हम सबको ये दात बख्शना, हम सब पे कृपा कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज, ओवर टू अमृत कौर आंटी फॉर थैंक्स गिविंग। अमृत कौर आंटी, जय गुरु जी। आंटी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी अंकल, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आंटी, यू आर ऑडिबल। जय गुरु जी। हाँ जी, गुंजन शर्मा अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने बहुत ही सुंदर सत्संग किया, ब्यूटीफुल सत्संग,
इतना प्यारा सत्संग, हमें संगत को सबको बहुत मैसेजेस मिले हैं सत्संग से। सबसे बड़ा मैसेज ये मिला है कि असल चीज तो कोई मांगला ही नहीं गुरु जी तो, कोई असल चीज सानू पता भी नहीं की है, सानू गुरु जी असल चीज यही देन आए हैं, सानू कुछ भी नहीं मंगना चाहिए गुरु जी तो, सानू गुरु जी तो नाम का बख्शन मंगना चाहिए है, भक्ति भक्ति मिले उन्होंने परमात्मा के नाल जुड़ना है, यह सानू मंगना चाहिए है। जे परमात्मा साडे नाल है साडे नाल सब कुछ सानू मिल जाएगा, क्योंकि जे तू मेरे वल है तो क्या मुझा। अंकल आपका सत्संग बहुत ही ब्यूटीफुल था, सुन के बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा सत्संग किया। आशा करते हैं आगे भी आप ऐसे सत्संग शेयर करते रहेंगे, और सारी संगत को दिवाली की बहुत बहुत मुबारक हो। गुरु जी सारी संगत को ब्लेस करें बहुत बहुत, और हमारे मन में गुरु का प्रकाश जो है ना वो मन में है, तो हमारे लिए हर रोज दिवाली है। कहते ना जो बंदा अमृत वेला सुबह उठ के करता है उसके लिए रोज ही दिवाली है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हमारे मन में ही खुशी जो है ना, मन में जो अगर हम परमात्मा को रखते हैं तो हमेशा ही हमारे साथ, मतलब हम दिवाली का ही अनुभव करेंगे। तो अंकल ने जो अंकल के सत्संग से बहुत सारे मैसेजेस मिले हैं, सबसे बड़ा मैसेज यही है कि गुरु जी तो असल चीज कोई मांगता ही नहीं है, सानू गुरु जी तो असल चीज मंगनी चाहिए है, नाम सिमरन भक्ति, मतलब सानू साडे नाल यही जाना, साडे नाल हो साडे नाल कुछ भी नहीं जाना है, सारा संसार विच सारी संसारक वस्तुआं ने सब इत्थे ही रह जानियां ने। ते गुरु जी सानू सारे नू ब्लैस करो, सारी संगत नू अपने नाम बख्शिश करो, प्रोत्साहन बख्शो, भक्ति का दान बख्शो, अमृत वेले दी दात बख्शो। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू गुंजन अंकल, बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल सत्संग किया। हम चाहते हैं कि आप फिर दोबारा फिर से सत्संग करने आए तो आपको फिर मौका दिया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।